तो भाई फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अब वीडियो आ चुका है। और थंबनेल देख के आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि वीडियो क्या है, ठीक है? तो चलिए इसका ही ट्यूटोरियल बनाते हैं आज। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, एक हमारी बैकग्राउंड इमेज और हम एक हमारी ग्रीन स्क्रीन फुटेज। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा पीसी के स्क्रीन पर और हम ओपन कर लेते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। तो मैं यहाँ पर अपने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने के बाद हमें क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पर एंड न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। तो इस पर मैं अपनी फुटेज को ले आता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? फिर डबल क्लिक करके मैं दोबारा से अपने इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है? तो इसके बाद मैं अपनी जो बैकग्राउंड इमेज है अपने मेन वीडियो के नीचे इसको ड्रैग कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, ठीक है? और इस वाली सेकंड वाली कंपोजिशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, चाहो तो रहने दे सकते हो, ठीक है? तो इसके बाद मैं इसको अपने बैकग्राउंड इमेज की टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड फिर इसके बाद हम अपनी मेन वीडियो को ट्रिम करेंगे, जितना भी पार्ट हमें चाहिए अपने वीडियो के लिए। तो मुझे इसका इतना सही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से इसको कट करूँगा एंड बैक स्पेस से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद हमारी फुटेज को मैं ड्रैग करके अपने फर्स्ट फ्रेम पर इसको सेट कर लेता हूँ। तो इसको सेट करने के लिए हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं टाइमलाइन को, तो जूम करने के बाद अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं इसको बैक पीस के पीछे से कट करूँगा, मतलब तो इतना लास्ट मेरा फ्रेम रहेगा, इतना सही है ना? तो ठीक है, इतना रख लेते हैं, ठीक है? फिर उससे इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से इसको कट करेंगे एंड बैक स्पेस से इसको डिलीट करेंगे, ठीक है? तो इसको डिलीट करने के बाद मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज को भी ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है? तो बैकग्राउंड इमेज को भी ऐसे ही सेम तरीके से ट्रिम कर लेंगे और इसके बाद कंपोजिशन को भी ट्रिम करेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा छोटा किया और फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है बिल्कुल फिक्स, फिर लेफ्ट क्लिक करना है और ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया पर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो हमारा कंपोजिशन सेट है, जो कंपोजिशन है हमारा वो सेट है, ठीक है? इसके बाद हम अपनी मेन वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल प्लस डी दबाकर, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस डी दबाकर इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, जिसमें एक तो हमारा रोटो होगा और दूसरा होगा हमारा मास्किंग। तो सबसे पहले मैं अपनी नीचे वाली लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? अपनी जो पहले वाली लेयर है इस पर सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा मास्क बनाऊंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर एक अपने हिसाब से मास्क बना लेता हूँ, ठीक है? आप अपने हिसाब से बना लेना फुटेज में, जैसे भी आपका मास्क आपको बनाना हो उस तरीके से आप बना सकते हो। तो ठीक है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, इसमें मुझे बस शेडोज चाहिए और इसका कुछ जो एरिया है वो भी चाहिए मुझे ग्राउंड का। तो मैं इसको अच्छे से यहाँ से मास्क कर लेता हूँ, ठीक है? इतना करने के बाद हमें इसका थोड़ा सा इसका फेदर बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है उससे ब्लेंड हो जाए उसमें, ठीक है? तो मैं मास्क प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी फेदर को इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी फुटेज में कितना सही लग रहा है। मैं बस अपनी फुटेज के हिसाब से यहाँ पर सेट करके बता रहा हूँ आप सब लोगों को, ठीक है? ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी चीज़ें नहीं बता सकते, तो ठीक है? तो अब इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करके अपनी मेन जो रोटो वाली वीडियो जिसका हम रोटो करेंगे उसकी विजिबिलिटी ऑन कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हमें अपनी इस वाली नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है? तो मुझे इसका रोटो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से रोटो करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ से सही है मेरे लिए, तो मैं अपने रोटो वाले ब्रश पर क्लिक करूँगा और इस पर रोटो ब्रश करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा जहाँ जहाँ पे भी इसको पार्ट सेलेक्ट करना होगा। तो जो पार्ट सेलेक्ट नहीं है उनको हम खुद से सेलेक्ट कर लेंगे मैन्युअली, ठीक है? तो सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं पहले, तो सेलेक्ट करते रहते हैं। और हमारा नीचे का एरिया तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं है, तो उसको भी सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे का एरिया सेलेक्ट हो चुका है, तो इसमें हमें शेडोज़ को रोटो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आएंगी तो हम उनको हटा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो शेडोज़ भी आ चुकी हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑल्ट दबा कर ड्रैग करूँगा तो ये डिसलेक्ट होगा और नॉर्मली ड्रैग करूँगा तो ये सेलेक्ट होगा, ठीक है? तो मैं इसको सबको डिसलेक्ट और सेलेक्ट करके अच्छे से सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद और देखते हैं कहाँ पर सही चीज़ें नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है उनको सेट कर लेते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो ये मेरे हाथों के बीच में थोड़ी जगह दिख रही है उनको भी सेट करेंगे, ठीक है? जो थोड़ी बहुत है जैसे उनको सेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब इसके बाद इसको डीसेलेक्ट करना है, मैं ऑल्ट दबाकर ड्रैग करूँगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये डीसेलेक्ट हो चुका है,
और ये सब काफ़ी ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक बार और चेक कर लेना है अच्छे से, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको सेट कर लेना है, ठीक है। वैसे जितना इसमें गंदा दिख रहा है इस फ़ोन की वीडियो में मेरे, इतना गंदा हूँ नहीं मैं दिखने में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फ़ोन की कैमरे की गलती हो तो मेरी गलती नहीं है। फिर उसके बाद हम अपनी रोटो की जो ब्रश है उस पर क्लिक करके रखेंगे, उसको मतलब प्रेस करके रखेंगे तो हमारा रिफाइन जो ब्रश है वो ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद अपनी एजेस को ही सेलेक्ट करना है, अगर आप कहीं और ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलेक्ट करोगे तो वो एरिया जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से सारी एजेस को सेलेक्ट करना है और इस ब्रश को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मतलब ज़्यादा साइज़ नहीं रखना है, अपनी देसी भाषा यूज़ कर लेना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से इसको सबको कवर कर लेता हूँ अपने एजेस को, ठीक है। ये क्या होगा कि मतलब हमारी एजेस को स्मूथ भी करेगा और उनको अच्छे से रिफाइन भी करेगा, ठीक है। तो रिफाइन टूल ही इसीलिए इसको रिफाइन टूल कहते हैं। तो मैं सबको सारी एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा वीडियो को। तो इसके बाद हमें ज़्यादा नीचे की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ऊपर इसके लेयर डाल रखी है जो शेडो वाली है, उसमें आ जाएगी बाकी चीज़ें, ठीक है। तो ऊपर का सेलेक्ट करेंगे हम, पैरों के ज़्यादा नीचे की चीज़ें हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें रिफाइन नहीं करेंगे उनको। तो फिर से थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक सेट कर ली हैं, मतलब रिफाइन कर ली हैं। तो जो पार्ट्स रह चुके हैं, जैसे ये अंदर वाला पार्ट, इसको भी अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी रिफाइन कर लेंगे हम लोग। तो नीचे का थोड़ा सा एरिया रह चुका है, तो इतना करने के बाद थोड़ा सा नीचे तक और ड्रैग कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, इतना करने के बाद ये सब सेट है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रीज़ होने के बाद ये सारी चीज़ लेयर्स को, मतलब सभी जगह सारे फ्रेम्स को पर इसको अपने रोटो को अप्लाई करेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम इफेक्ट पैनल से बाहर आ जाएंगे और अपनी कंपोजिशन पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर देखो रोटो हो चुका है। फिर अपनी जो ऊपर वाली लेयर है उसको भी ऑन कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी इसके जो कलर्स वगैरह हैं और ब्राइटनेस वगैरह मैच नहीं कर रहा है अच्छे से, तो हम अपने पहले सबसे पहले अपने नीचे वाली फुटेज पे देखिए, ऊपर वाली चलो देख लेते हैं। तो हम अपनी फुटेज को सेलेक्ट करके इस पर इफ़ेक्ट देंगे और इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह और कलर्स वगैरह थोड़े से सेट करेंगे। तो ऊपर वाली लेयर को हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए और यहाँ से हमें कलर करेक्शन में जाना है। कलर करेक्शन में जाने के बाद हमें ल्यूमेट्री कलर को इस पर अप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद बेसिक करेक्शन में, तो एक्सपोजर को पहले सेट करेंगे सबसे पहले। तो देखो एक्सपोजर को सेट करने से ही काफ़ी चीज़ें सेट होने लग चुकी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है अपने सीन के हिसाब से, इसमें कोई फिक्स ऐसी वैल्यू है नहीं, वो अपने सीन के हिसाब से आपको सेट करनी पड़ेगी। मैं बस पास पास इनको बता देता हूँ, वैसे चाहो तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से भी मतलब इसमें ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए आपको थोड़ा सा फास्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर वगैरह को भी अच्छे से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और अब अपनी सेकेंड वाली लेयर पे भी ये सेम इफेक्ट हमें लगाना है। तो मैं पहले थोड़ी सी इस मास्क को अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी मुझे आउटर लेयर्स दिख रही हूँ वाला पार्ट। इसके बाद शेडर है कर लेना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं अच्छे से, जहाँ भी सेट लगेगा वहाँ पर सेट कर लेंगे फेदर वगैरह को। तो ये सही है मेरे हिसाब से, काफ़ी ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ फिर भी, जिससे कि ये मतलब ख़राब ना दिखे, ठीक है। और इतना सही है क्या? हाँ ठीक है मेरे हिसाब से लगभग, ठीक है। तो इसके बाद हमें अब देखना है अपनी सेकेंड वाली लेयर को, तो सेकेंड वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे हम। इसके बाद थोड़ी सी और इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा और हो जाए तो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रहने देते हैं। अब सेकेंड वाली लेयर पे इस पर भी थोड़ा सा हमें ल्यूमेट्रिक कलर डालना पड़ेगा। इफेक्ट में जाएंगे, कलर करेक्शन में जाएंगे एंड देन हमें यहाँ पे हमें ल्यूमेट्रिक कलर को इनेबल कर लेना है। और यहाँ पर भी सबसे पहले हम ब्राइटनेस को मतलब एक्सपोजर को ही कम करेंगे, ठीक है। अपने सीन के अकॉर्डिंग उन सब चीज़ों को मैच करवा लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करोगे आप, जितना ज़्यादा टाइम दोगे इसको, ये उतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको कंपोजिट अगर अच्छे से करोगे तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो अभी भी कुछ चीज़ें देखो कि यहाँ पर ग्रीन एजेस दिख रहे हैं हमें। इसके लिए हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और किंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम इस पर एडवांस स्किल सप्रेशर को इनेबल कर देंगे एंड इसको स्टैंडर्ड से अल्ट्रा पे कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो अब ये जो पार्ट्स हैं वो ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, मतलब जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको और भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन था तो कुछ ग्रीन स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बस ऐसे ही इसमें नहीं बताया, बाकी आप इसको रेंडर वगैरह करके इसमें और अच्छे से कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो बहुत तगड़े क्वालिटी के बनाए जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।